साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज गाजियाबाद जिले की भर्ती चल रही है, उसमें प्रोसेस बताएंगे भाई, क्या प्रोसेस रहा, भर्ती कैसी लग रही है? भैया, भर्ती बहुत बढ़िया लगी है, टाइम भी अच्छा दिया, बच्चे भी अच्छे पकड़े गए खूब। कितना समय मिल रहा टाइम भैया? 5:15 से लेकर 5:25 तक। हाँ जी, खूब बढ़िया टाइम मिला, खूब अच्छे बच्चे पकड़े। कितने बच्चे पकड़े जा रहे हैं भैया? 30 भी पकड़े गए हैं, 24 भी पकड़े गए हैं, 28 भी हैं, यानी प्लस हैं 30 से। भगा कितने रहे हैं? भगा 100 से कम ही है वैसे। 100 बच्चे भगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप पहले मुजफ्फरनगर में क्या होता था, इस भर्ती से पहले क्या होता था, बहुत बुरा हाल रहता था। 400 बच्चे भगाते थे, उसमें 30 पकड़े जाते थे, परंतु अब की बार जो 100 बच्चे भगाए जा रहे हैं, 100 में से 30 पकड़े जा रहे हैं, 35 पकड़े जा रहे हैं, 40 भी पकड़े जाएंगे। जी भैया, 40 भी पकड़े। यानी कि 5:30 का समय मिल रहा है, 5:30 का समय मिल रहा है। तुम्हारा गांव कौन सा? कनकपुर भैया। तुम्हारा? गढ़ी मकिनपुर। कनकपुर। कनकपुर। सपनावत। सपनावत। बहुत बढ़िया। तो भाई, ये सारे हप्पुड़ इनका गाजियाबाद जिला आया भाई का सभी का, तो कोई आया था रेस मार में? हाँ भैया, भैया आए थे दोनों। क्या नाम था? कौशल और विकास। मार दी रेस? हाँ भैया। फर्स्ट ग्रुप की? हाँ जी, फर्स्ट ग्रुप की मारी। तो इनके भाई आए थे, दो भाई, और दोनों ने ही रेस लगा दिया फर्स्ट ग्रुप की। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आने वाले समय में जिले आने वाले हैं, उनके लिए भर्ती बहुत आसान चल रही है। इससे आसान भर्ती कभी भी नहीं हुई है और ना ही होगी। अगर अग्निवीर खत्म होता है आने वाले समय में, तो भर्ती पता नहीं क्या प्रोसीजर होगा, परंतु अग्निवीर में सबसे आसान भर्ती अब की बार हो रही है। भैया, हाँ जी भैया, बहुत अच्छी प्रोसेस था, बहुत अच्छी दशा में भर्ती लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी में हैं अगर, तो आप लोग भर्ती मार सकते हैं 100 के 100%। जय हिंद, जय भारत।